नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं Xiaomi EU का स्टेबल बिल्ड जो अवेलेबल हुआ है अपने Mi 2 डिवाइस के अंदर, Mi 6 डिवाइस के लिए, उसके बारे में। ये जो रॉम है दोस्तों, मोस्ट स्टेबल रॉम आप कह सकते हो अभी तक MIUI 12 का, क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों बहुत सारी MIUI 12 की रॉम अवेलेबल हुआ है, बट वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। बट ये वाला जो है काफी स्टेबल है, इसे आप आराम से अपने डेली लाइफ के अंदर यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो के अंदर जो MIUI 12.5.3 अवेलेबल हुआ है, इसको ही हम एक्सप्लोर करेंगे, इसका ही रॉम भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर देना, एंड इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले चलते हैं सीरीज के अंदर, सीरीज मेनू के अंदर से चलते हैं माई डिवाइस के अंदर। जैसे देख पा रहे हो MIUI वर्सन है MIUI बाई Xiaomi EU 12.5.3 स्टेबल बिल्ड है, ऐसे मैं आपको बोला था। ये जो बिल्ड है स्टेबल बिल्ड है, जो कि काफी बढ़िया बात है। एंड Mi 6s Mi MI 2, मेरे पास जो डिवाइस है तो MI 2 डिवाइस है, बट MI 8 प्लस MI 6s दोनों के अंदर काम करेगा। ऑल स्पेक्स की अगर बात करूँ, एंड्रॉइड जो वर्सन में देने को मिलता है एंड्रॉइड 10 है, जो कि काफी बढ़िया है। एंड्रॉइड 11 भी अवेलेबल हुआ था, बट एंड्रॉइड 10 भी सही है। यहाँ पर जो हमें सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलता है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर हमें जून का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलता है, बट बहुत से डिवाइस के अंदर जुलाई का आ चुका है, बट अभी हमें यहाँ पर जून का ही सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलता है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर जो कर्नल यूज किया गया है 4.4 का PRF प्लस कर्नल को यूज किया गया है, जो काफी बढ़िया बात है। सो ये जो कर्नल है डिफॉल्ट कर्नल है, तो आपको परफॉर्मेंस जो है इतना अप टू द मार्क देखने को नहीं मिलेगा। आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो डिफरेंट कर्नल को ट्राई करना होगा। एंड MIUI का वर्जन भी आप देख सकते हो, MIUI 12.5.3.0। सो ये जो अपडेट है, इस अपडेट के अंदर मेनली हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले जून का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाती है। ये जो अपडेट है शायद Mi 6X और Redmi Note 7 सपोर्ट किया जा सकता है, आई डोंट नो। एंड अगर बात करिए यहाँ पर अपडेटेड एप्लीकेशन की, तो चलते हैं अपडेटेड एप्लीकेशन के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पर हमें अपडेटेड एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाती है। चेकिंग फॉर अपडेट में टैप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है। MIUI 12.5 है। यहाँ पर 3 डॉट में टैप करके वर्ड्स टू में टैप करते हैं, देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। सो यहाँ पर वर्ड्स टू के अंदर क्या क्या है देख लेते हैं। जनरल ऑप्टिमाइजेशन, सबको यहाँ पर जनरल ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलता है। फिक्स एंड लेटेस्ट ट्रांसलेशन अपडेट एंड दैट्स प्रीटी मच इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो अपडेट है दोस्तों, अभी तक जितने भी बीटा अपडेट देने को मिला है MIUI 12.4 12.5, सभी का दोस्तों एक स्टेबल रिलीज है। मतलब सभी को एक साथ करके, सभी को कॉम्पाइन करके जो चाइना बीटा लॉन्च किया गया था 12.5.3 का, उसे ही दोस्तों Xiaomi UI के साथ, गूगल एप्लीकेशन के साथ लॉन्च कर दिया गया है। एंड एक काफ़ी बढ़िया काम भी करता है। ये देखो ऐप वर्ल्ड भी हमें देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह से, जो कि काफ़ी बढ़िया काम करता है। एनीवे हम बात करें तो ये जो अपडेट है, क्या सच में इसके अंदर कोई भी बग्स नहीं है, क्या सच में इसके अंदर कोई लैग नहीं होता है। जो लैग हमें पहले देखने को मिलता था वैसा लैग अभी फिलहाल इसके अंदर नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि कोई भी लैग हमें इसके अंदर देखने को एकदम ही बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। अभी भी दोस्तों लैग है, अभी भी दोस्तों ये जो इसका रैम मैनेजमेंट है MIUI 12.5.3 का, इतना भी बढ़िया नहीं है। आपको स्टेबल बिल्ड के अंदर जो जो फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंड अगर आपको बीटा बिल्ड चाहिए तो 12.6 को यूज करना। एंड यहाँ पर ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया गया है, जो भी ऑप्शंस था बीटा बिल्ड के अंदर MIUI 12.5 तक, सभी को यहाँ पर डाल दिया गया है, एंड सभी को आप यूज कर सकते हो स्टेबल बिल्ड के हिसाब से। ये जो अपडेट है बहुत ही जल्दी इंडिया के ऊपर आने वाला है, बट कितना टाइम लगेगा नोबडी नोस। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो राइज टू वेकअप का ऑप्शन है, डबल टैप टू वेकअप है, डबल टैप टू मतलब इसकी टर्न ऑफ स्क्रीन का भी ऑप्शन है। फिंगरप्रिंट के साथ वेकअप कर सकते हो, स्मार्ट कवर मोड, पावर मेनू एक्सेस, ग्लेज फॉर MIUI, आप क्लॉक का जो फॉर्मेट है उसे भी आप चेंज कर सकते हो एज वेल। यहाँ पर साइड पैनल शॉर्टकट का भी ऑप्शन देने को मिल जाती है। चार्जिंग एनिमेशन को आप चाहो तो ऐसे चेंज कर सकते हो। ये सभी जो ऑप्शन हमें देने को मिल जाती है। एंड डिस्प्ले के अंदर आपको शेड्यूल करने का भी ऑप्शन देने को मिल जाती है। एंड मोर डार्क मोड ऑप्शन का भी ऑप्शन है, एंड यहाँ पर आप शेड्यूल भी कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर हमें जो ब्राइटनेस लेवल है उसका ऑप्शन है, एंड सनलाइट मोड भी देने को मिल जाती है। जो नाइट मोड है उसका ऑप्शन हमें देने को नहीं मिलता है। यहाँ पर एंटी फ्लिकरिंग मोड डाला गया है, इससे हमें समझ में आता है जो बिल्ड है शायद Redmi Note 7 से पोर्ट नहीं किया गया है, इवन MI का 6s से भी शायद पोर्ट नहीं किया गया है, और किसी से पोर्ट किया गया है, क्योंकि एंटी फ्लिकरिंग मोड का मतलब है AMOLED डिस्प्ले। AMOLED डिस्प्ले ना ही Redmi Note 7 के अंदर है, ना ही MI 6s के अंदर है। सो इसे शायद और कोई फोन के अंदर से यहाँ पर पोर्ट किया गया है, बट काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आप कलर को भी दोस्तों सैचुरेट कर सकते हो, ऑटो कर सकते हो, स्टैंडर्ड कर सकते हो। एक बार फॉन्ट सेटिंग्स से, एक बार अलाउ ऑल रोटेशन ये जो ऑप्शन है इसे भी डाल दिया गया है Xiaomi UI के अंदर। एंड ऑटो रोटेशन का भी ऑप्शन हमें देने को मिल जाती है।
साउंड एंड वाइब्रेशन का भी ऑप्शन है, एंड यहाँ पर आप दोस्तों एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जो बूट ऑडियो है उसे भी आप चाहो तो बंद कर सकते हो, एज वेल डिलीट साउंड का भी ऑप्शन है, आप अगर कोई भी चीज़ डिलीट करते हो उसे बंद कर पाओगे। स्क्रीनशॉट का साउंड, आर्म माउंट का साउंड, चार्जिंग साउंड, ये सभी साउंड को बंद कर पाओगे। एंड जो डिफॉल्ट वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम है उसे आप मीडिया एंड रिंगटोन के बीच में दोस्तों चेंज कर सकते हो, ये जो ऑप्शन देने को मिल गया है काफ़ी बढ़िया है। एंड साउंड इफेक्ट के अंदर आपका एमआई का साउंड एनहाइजर है जो कि आपको यूएसबी टाइप सी हेडफोन के साथ ही काम करेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप इस रॉम को अपने एमआई 2 डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करते हो तो ये वाला जो कंट्रोल सेंटर है अपने एमआई 11 का जो कंट्रोल सेंटर है उसे यूज करना, वो ज्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू एमआई 12 का कंट्रोल सेंटर। एमआई 12 का जो कंट्रोल सेंटर है वो बढ़िया है बट उसके अंदर आपको लैग देखने को मिल सकता है। एंड सरस बार के अंदर नॉच को हाइड करने का ऑप्शन है बट हमारे एमआई 2 डिवाइस के अंदर नॉच है ही नहीं, सो इससे समझ में आता है जो डिवाइस है ये जो बिल्ड है शायद और कोई नॉच वाले डिवाइस से दोस्तों यहाँ पर लिया गया है। एंड यहाँ पर जो 4G हमको शो कर सकते हो, आप इसकी स्पीड को शो कर सकते हो, सो ये जब सब चीज़ आपको नॉर्मल भी देखने को मिल जाती है। होम स्क्रीन के अंदर जो क्लासिक आपका जो होम स्क्रीन है वो देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर ड्रॉयर के साथ भी देखने को मिल जाएगा, अगर आप ड्रॉयर चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। ऐप ड्रॉयर ऐप वर्ल्ड को आप हटा के जो गूगल डिस्कवर है उसे आप लगा पाओगे, उसका भी ऑप्शन डाल दिया गया है। एंड यहाँ पर आपको जो होम आइकॉन एनिमेशन से वो भी देखने को मिल जाती है, जो iOS वाली हॉराइजन व्यू रिसेंट बार वो भी आपको देखने को मिल जाती है, जो सजेशन उसे भी चाहो तो दिखा सकते हो, जो मेमोरी स्टोरेज से वो भी आप चाहो तो दिखा सकते हो, बट मेरे को जरूरत नहीं है, मैं बंद ही रखता हूँ। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट दोनों ही देखने को मिल गया है, आप दोनों ही डाल सकते हो। सो सबसे पहले जो फिंगरप्रिंट उसे टैप करते हैं उसे यूज करके देखते हैं, टैप किया ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया, देख सकते हो फिंगरप्रिंट काफी फास्ट है, और एक बार टैप किया ओपन हो गया, टैप किया ओपन हो गया, फिंगरप्रिंट काफी बढ़िया काम कर रहा है। नाउ जो अपना फेस अनलॉक उसे ट्राई करके देखते हैं, ओके फेस अनलॉक ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगा है, और एक बार लास्ट टाइम तीनों को तीनों बार ओपन हो गया, पहला बार थोड़ा सा टाइम लगा बट उसके बाद दो बार जल्दी जल्दी ओपन कर गया, एक काफी बढ़िया बात है। सो फेस अनलॉक भी अपना काम कर रहा है, बाकी स्पेशल फीचर्स के अंदर ये सभी ऑप्शन देने को मिल जाती है ऑलरेडी आपको मालूम ही होगा, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। इसके अलावा दोस्तों आपका जो वाईफाई है वो काम कर रहा है, आपका जो ब्लूटूथ है वो काम कर रहा है, आपका जो हॉटस्पॉट है वो भी काम कर रहा है, आपके सामने ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो अभी फिलहाल जो अपना वाईफाई वो काम कर रहा है, बट एक बुरी बात मेरे को जो लगी है, अगर आप वाईफाई यूज करोगे तो हॉटस्पॉट ऑफ मतलब वाईफाई यूज करते हो तो अगर आप हॉटस्पॉट ऑन करोगे तो वाईफाई बंद हो जाएगा, एंड वाईफाई ऑन करोगे तो आपका हॉटस्पॉट बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया है जो कि काफ़ी बुरी बात है। कुछ कुछ रॉम के अंदर सपोर्ट है बट अपने एम आई 2 डिवाइस के अंदर इसी रॉम के अंदर सपोर्ट नहीं है, बट अगर आप कोई कस्टम रॉम को ट्राई करोगे तो उसके अंदर आप वाईफाई एंड हॉटस्पॉट दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हो, बट इस रॉम के अंदर ऐसा नहीं है। ब्लूटूथ से फाइल हमने ट्रांसफर कर लिया है, ब्लूटूथ के साथ फाइल जो है ट्रांसफर हो रहा है, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। एंड गाना वाना भी हमने सुन लिया है, गाना भी आप सुन सकते हो, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। वॉल्टी एंड वो वाईफाई के बारे में आई एम नॉट श्योर, बट वॉल्टी यहाँ पर अपना काम कर रहा है, ये चीज़ मैंने नोटिस किया है। ओवरऑल ये काफ़ी बढ़िया एक रॉम है, एक स्टेबल बिल्डअप कह सकते हो, बट एक चीज़ है दोस्तों अपना पोर्ट्रेट मोड जो है काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हो पोर्ट्रेट मोड जो है स्टक कर गया है, देख सकते हो पोर्ट्रेट मोड के अंदर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, बट जब भी आप दोस्तों आपका फोटो एंड वीडियो के अंदर चाहोगे तो काम करना स्टार्ट कर देगा। नाउ आपको मैं एग्जैक्ट रीजन बता रहा हूँ इसका जो पोर्ट्रेट मोड है क्यों नहीं काम नहीं कर रहा है, इसका जो मेन रीजन है वो है ए वाला चीज़, देख सकते हो कैमरा टू पे के अंदर लेवल 3 का सपोर्ट है ना, इसलिए पोर्ट्रेट मोड काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली दोस्तों ये जो लेवल 3 का सपोर्ट है इसलिए दोस्तों ये जो पोर्ट्रेट मोड के अंदर जो है काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली ये वाला जो कैमरा UI आप देख सकते हो, ये जो कैमरा UI है MIUI का 2.0 वाला बिल्ट है, वन मतलब MIUI 12 आने से पहले जो कैमरा है इस तरह से देखने को नहीं मिलता है। कैमरा का जो UI है उसे रिवर्ब करके दिया गया है, उसे थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, बट इसे चेंजेस करने के दौरान ये जो नया वाला UI इस UI के साथ जो पोर्ट्रेट मोड है उसे काम करने के लिए कैमरा 2 के अंदर MIUI 2 डिवाइस के अंदर अननोन का सपोर्ट चाहिए, लेवल 3 का सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों लेवल 3 का सपोर्ट हमें देने को मिलता है, इसलिए दोस्तों जो अपना पोर्ट्रेट मोड है काम नहीं करता है। अगर आप कैमरा 2 को बंद कर दोगे तो पोर्ट्रेट मोड जो है काम करना स्टार्ट कर देगा, जो कि मैं आपको बता देना चाहूंगा, बट ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पोर्ट्रेट मोड के लिए GCam यूज कर सकते हो, गूगल कैमरा यूज कर सकते हो, उसके अंदर आपको और भी ज्यादा अच्छा जो है ओवरऑल फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगी, शार्पनेस रीडिंग आपको गूगल कैमरा के अंदर बढ़िया देखने को मिल जाएगी। ना दोस्तों चलते हैं यहाँ पर वीडियो के अंदर, देख सकते हो फुल HD 60fps का ऑप्शन है, बट 4K का जो ऑप्शन है 4K 30fps उस ऑप्शन को यहाँ से हटा दिया गया है, वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, जो कि काफी बढ़िया बात है, जो है ऑप्शन देना चाहिए था। एनीवे कैमरा 2 की बात करो, देख लेते कैमरा 2 काम करते नहीं, एंड यस कैमरा 2 काम कर रहा है, मतलब कैमरा 2 के साथ हमें रिजल्ट देखने को मिल गया है, 375 देखने को मिला है एंड 2.20 का जो FPS देने को मिल गया है, स्कोर के हिसाब से तो सही है स्कोर, ज्यादा दोस्तों ये पर चेंजेस हमें देने को नहीं मिला है, स्कोर काफी सही देखने को मिल गया है।
अगर बात करूँ उसकी अपर गिगवेज की, तो हमने जो गिगवेज का टेस्ट है कई दफ़ा रन किया है, बट अनफॉर्चुनेटली जो एक ही टेस्ट हमने रन किया था भाई सब कई दफ़ा नहीं, एक ही टेस्ट 333 हमें देखने को मिला है स्किन कोड के अंदर। मल्टी कोड के अंदर 1074 है एंड PRF प्लस कैनल है, हमने कैनल को भी चेंज नहीं किया है। एवरेज से थोड़ा सा कम हमें देखने को मिला है मल्टी कोड के अंदर, बट सिंगल कोड के अंदर सही है, जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा सिंगल कोड के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर जो है मैजिक्स को भी हमने डाल के रखा है, चलते हैं मैजिक्स के अंदर, सिंपली जो मैजिक हाइड ऑप्शन है उसे इनेबल कर लेते हैं। देखते हैं दोस्तों जो बैंकिंग एप्लीकेशन होगा गूगल पे फोन पे इस तरह के एप्लीकेशन स्टॉम के अंदर काम करेगा नहीं, एंड यहाँ पर शायद पास हो जाएगा, मतलब जो बैंकिंग एप्लीकेशन होगा SBI UNO सभी स्टॉम के अंदर बढ़िया तरीके से काम करेगा क्योंकि यहाँ पर पास हो चुका है, जो काफी बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ पर जो सिपोजिटरी टेस्ट इसमें रन कर लेते हैं, देख सकते हो तो लगभग 5 मिनट के लिए जो टेस्ट हमने रन किया था मैक्स गया है 99 एंड मिनिमम है 62। जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है काफी बेकार देखने को मिल गया है स्टॉर्म के अंदर, एंड परफॉर्मेंस के अंदर एकदम ही मजा नहीं है। एक्चुअली जो PRF प्लस कर्नल है, बैटरी एफिशिएंसी कर्नल है, पावर एफिशिएंसी कर्नल है, आपको परफॉर्मेंस जो है एकदम ही देखने को नहीं मिला है, जो कि आपको सिपोथ्रेडिंग के अंदर मालूम चल जाएगा। सो अगर आपको एक स्टेबल बिल्ड अप्लाई करना है अपने MIUI 2 डिवाइस के अंदर, अगर आप एक स्टेबल MIUI रॉम को खोज रहे थे, तो अभी फिलहाल आप इस रॉम को ट्राई करके देख सकते हो। इस रॉम के अंदर आपको ऑलमोस्ट सभी जो फीचर्स है देखने को मिल जाएगी, स्टेबिलिटी का जो जितने भी फीचर है सभी देखने को मिल जाएगी, बट हेयर एंड देयर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी कि आप वाईफाई एंड हॉटस्पॉट एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। आपको जो कैमरा ट्यूब पे एनेबल होने के कारण जो कैमरा के अंदर जो पोर्ट्रेट मोड है काम नहीं कर रहा है, बट एक कोई इशू नहीं है, आप सिंपली गूगल कैमरा को डालो, गूगल कैमरा काम करेगा। इवन जो गूगल कैमरा गो है वो भी हमें देखने को मिल जाती है, ये भी काम करते हैं, देखो कोई भी इशू वाली बात नहीं है। सो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको एक फीचर से जो कि आपको मतलब जानना जरूरी है। सो ये सभी चीज देखते हुए अगर आप इसे यूज करना चाहते हो, तो इसका जो डाउनलोड लिंक है इसका अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो अपने 12.5.3 को अपने MIUI डिवाइस के लिए, सो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रॉम का जो डाउनलोड लिंक है प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड करके आपके फोन के ऊपर क्लीन फ्लश कर लेना TWD कोड से फॉर्मेट डाटा करके, उसके बाद रॉम को डाल के क्लीन फ्लश कर लेना तो बढ़िया होगा। एनीवे आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के और सेट कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। हमने एक नया चैनल को स्टार्ट किया है जो कि गेमिंग चैनल है, जहाँ पर आपको गेमिंग के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा, उस चैनल को चाहो तो आप चेकआउट करके देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।